आप देख रहे हैं गर्जना नारी की। आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कच्चे आम होते हैं, कैरी होती है, तो हम उनको किस तरह पका सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पानी लिया और पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल दिया, और पानी के अंदर नमक डाल के उसको बड़े अच्छे से क्या करना है, हिला देना है। और जैसे ही पानी के अंदर नमक घुल जाता है, तो उसके बाद कच्चे आम जो है, एक एक आम हम लोग क्या करें, उसमें डिप करेंगे। वन बाई वन एक आम डिप करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पानी की और नमक की अच्छे से क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। और ज्यादा आम है तो आप किसी बर्तन में थोड़ी देर के लिए उनको सबको एक साथ डाल के रख सकते हैं। अगर कम है तो आप एक एक आम डिप करके उनको निकाल सकते हैं। जैसे ही आम इसमें से निकालते हैं, तो हमें इसे एक अखबार पे रख लेना चाहिए, और अखबार पे रख के अखबार को उल्टा कर देना चाहिए। और जैसे ही अखबार को उसका थोड़ा सा दबाएंगे, तो उसका पानी साफ हो जाएगा, नमक वहीं लगा रहेगा, कपड़े का इस्तेमाल यहाँ पे न करें। फिर और अलग से कागज लेके हम उसमें क्या करेंगे, कागज में रैप कर लेंगे, और कागज में, डबल कागज में, अखबार में रैप करके हमें कोई कार्टून लेके, अगर ज्यादा आम है तो बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए। मेरे पास चार आम थे तो मैंने छोटा कार्टून लिया, उसमें डालकर रख दिए। 3 दिन के लिए मैं इसको